सोडा पीने के लिए सुबह सुबह सर बहुत सारे एसेसरीज लगते हैं, कितना रुपए लगता है? तो भाई फाइनली अपना गाड़ी का धुलाई अगर चालू है देख। सो हेलो एवरीवन, फिर स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो फाइनली भाई हो चुका है सुबह, आप सबको गुड मॉर्निंग। और भाई घर से निकलने के बाद ना आ चुके हैं कहाँ पे, गाड़ी को लेके मिस्त्री साहब के यहाँ। भाई कुछ काम वगैरह नहीं है, बस हॉर्न अगर गाड़ी का बनवाना है। और भी एक बहुत बड़ा खुशखबरी है, आज भाई हम जाने वाले अपने गाड़ी में एसी के बारे में पता करने के लिए, भाई एसी लगवाने में कितना खर्च अगर आ जाता है। तो फिलहाल अभी चलेंगे गाड़ी को लेके हमारे घर से जहाँ पे एसी लगता है, वो है भाई 10 किलोमीटर। तो अभी उधर ही चलने वाले हैं। उसके पहले इस वीडियो को ऐसे कंटिन्यू करते हैं, चैनल पे करना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आपका भाई आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता है। भाई अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके पास टाइम से पहुँच सके। तो आज भाई सुबह सुबह प्रदीप भाई भी आ चुके हैं यहाँ पे, एक बार हाई कर दो ब्रो। दो दो फोन चला रहा है प्रदीप भाई। तो ये अपना घोड़ा लेके आए हुए हैं, ये प्रदीप भाई का अपना बाइक है भाई, और भी बुलेट। तो इसको भी अभी चलाने वाले, सुबह सुबह ड्राइव करेंगे, और अपने पिकअप में एसी लगवाना है। तो एसी लगवाने के लिए जाना है, पूछने के लिए आप लोग बहुत दिन से भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई एसी लगवाइए गाड़ी में, एसी लगवाइए। तो फाइनली डिसाइड अगर कर लिया है, तो अभी जाना है पता करने कितना रुपया खर्च आ रहा है एसी लगवाने में। तो फिलहाल अभी कुछ देर में यहाँ से निकलेंगे, तो पहले प्रदीप भाई आए बनारस तो उनके साथ थोड़ा सा मजा मस्ती करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करिए एंड कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए थोड़ा देर बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो फाइनली प्रदीप भाई के बुलेट पे बैठ चुके हैं अभी भाई गियर में यार, तो इसको चालू करते हैं और थोड़ा सा मजा मस्ती करेंगे, और उसके बाद चाय अगर पियेंगे। आज भी नाश्ता करने का मन करता है प्रदीप भाई, चलो इडली खिलाता हूँ। कहाँ इडली खाएंगे? बिल्कुल नहीं, इडली खाने से पता आजकल पेट में गैस हो जा रहा है, इतना गर्मियाँ में ना। चटनी जो होता है ना खट्टा होता है। कौन बोला? तो खट्टा चीज पेट के लिए अच्छा होता है, पता होना चाहिए भाई। भाई कभी हम ले पाएंगे कि नहीं बुलेट? मेरा सपना है यार एक बुलेट लें, लेकिन यार बहुत माइलेज कम देता है, हम संभाल पाएंगे? तो देख सकते हैं भाई। हम लोग लंका घूम के आते हैं, और चलो शिकंजी पीने, शिकंजी मतलब नींबू सोडा। तो भाई हम लोग जा रहा हूँ नींबू सोडा पीने के लिए सुबह सुबह। कहाँ मिलेगा यार लंका पे? लंका अभी अभी दुकान नहीं खुला होगा ना? खुला है, हम भी क्या है, खुला है। हाँ सुबह से बिड़ा के आ गए एकदम। हम लोग अपने बनारसी भाषा में सुबह से बिड़ा लेके आ गए। बिड़ा ले ली भाई, क्योंकि इनके घर के पीछे ही मिलता है। तो जो है कि मैं जा रहा था इसे, मुझे लगा ये गाड़ी पे है, फ़ोन भी बात भी नहीं, रात को फ़ोन किए थे तो सोया था, तो अचानक आया तो देख रहा तो भाई वीडियो शूट कर रहे हैं भाई। तो हम क्या चलो, तो गाड़ी खड़ी थी तो चल रहा है, शिकंजी पियेंगे इडली विडली खाएंगे, उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। नहीं एक्चुअली ना हमें जाना है गाड़ी में एसी लगवाना था पता करने के लिए, क्योंकि अभी ना एक रिव्यू वीडियो मैंने बनाया है, मतलब मेरे सेकंड चैनल के लिए भी जा रहे हैं, अपने गाड़ी में एसी लगवाना है। तो पूछने के लिए क्या खर्च अगर आएगा, तो वही पता करना था, वही शूट ही कर रहे थे। अमीर लोग गाड़ी में एसी लगवा रहे हैं भाई, अमीर गरीब का बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है ना कि हमको बस सोने से मतलब है। जैसे कहीं पे मान लो पहुंच गए थोड़ा सा ऐसे, तो मान लो हम कहीं पे पहुंच गए गाड़ी को लेकर ना, तो वहाँ पे सोने में दिक्कत होता है, तो घुमा लेते हैं ना, तो वहाँ पे सोने में दिक्कत होता है। बस इसी वजह से गाड़ी में एसी लगवाने के लिए सोच रहे हैं, अभी वो कंफर्म नहीं है, जा रहे रेट पता करने के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत लोग कमेंट किए हैं कि भाई अब पिकअप में एसी लगवाने में कितना खर्च आएगा, आप पता करके मुझे बताइए, और क्या क्या दिक्कतें आएंगे, माइलेज कितना कम आएगा, तो हर एक चीज़ आप लोग को पता भी करके बताएंगे। बाकी तो भैया हमें भी पता करके बता देना, जरूर 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 लगाएंगे, आपको बताएंगे बिल्कुल। नहीं पति भाई पता, इसमें एक चीज़ क्या है, एक चीज़ इसमें आराम रहेगा ना, कहीं मान लीजिए हम लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं बिल्कुल, और वहाँ पे गाड़ी रुक गया लोडिंग नहीं हो रहा है, तो हम लोग जो रात का नींद है ना वो आराम से ले सकते हैं। मतलब 2 घंटा अपना चालू कर लो गाड़ी, अब 2 घंटे में कितना रुपये तेल जाएगा, 140-150-150 रुपये का तेल जलेगा, कम से कम सोएंगे तो आराम से ना। बस यही सब बातें हैं, तो फिलहाल चलते हैं शिकंजी पीते हैं। वीडियो बनाते हैं तो कुछ लोग ऐसे देखते हैं, हम लोग को लगता है या तो हम क्या हैं, मूर्ख हैं या क्या है। अच्छा शिकंजी यहाँ मिलेगा? नहीं यहाँ शिकंजी है भाई, शिकंजी का दुकान में दिखा दो। तो ये भाई शिकंजी का दुकान, हम लोग शिकंजी। तो फाइनली भाई हम लोग अभी शिकंजी तैयार हो रहा है, तो ये देख सकते हैं भाई साहब बना रहे हैं सुबह सुबह, और सोडा वाला शिकंजी हम लोग पीने वाले हैं, पानी वाला नहीं, सोडा पिएगा सोडा। ये देखो बर्फ वगैरह भाई ने भर रहा है इसमें, और इधर नींबू कट रहा है भाई।
तो फिलहाल सिकंजी भाई रेडी कर रहा है, पीते हैं फिर निकलते हैं अपने गाड़ी के पास में। जाना है एसी के लिए पता करने के लिए क्या खर्च आता है, तो फटाफट निकलेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं और भी बहुत सारा काम है, तो फटाफट चलते हैं। आप लोग वीडियो बने रहिए और आप लोगों को पता चलने वाला इस वीडियो में कि एसी लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, अगर लगवा रहे हैं तो कितना खर्चा आने वाला है, हर एक चीज़ बताने वाले हैं। तो फिलहाल फटाफट करके सिकंजी पी के निकलते हैं। तो फाइनली भाई ये अपना सिकंजी लग चुका है, इसको करते हैं फिनिश। तो फाइनली सिकंजी अगर पीने के बाद हम आ चुके हैं अपने गाड़ी पे, गाड़ी से जा रहे हैं जहाँ पे एसी लगता है उधर पता करेंगे। और हमारे प्रदीप भाई चले गए घर पे, उनको कुछ काम था, तो हमने ठीक है भाई आप निकलो और हम भी अपने काम से निकलते हैं। तो फिलहाल बढ़ रहे हैं आगे, तो इधर का भाई व्यू देख सकते हैं बनारस का भी, सुबह सुबह का 9:30 बजे का नज़ारा है भाई। खाली खाली लग रहा है ना आप लोगों को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भीड़ है, खाली नहीं है, अभी कुछ देर बाद खाली हो जाएगा। जैसे ही भाई दोपहर के 12-1 बजेंगे ना, इतना ज़्यादा गर्मी हालत ख़राब हो जाएगी, तो गाड़ी भी कम हो जाएंगे। तो फिलहाल आगे चलते हैं। फिलहाल भी रास्ते में रुके हुए हैं, मतलब एसी का जो दुकान है ना अभी खुला नहीं है, तो वहाँ पे पहुँचने में थोड़ा टाइम है। तो फिलहाल रास्ते में रुक के थोड़ा सा ना गाड़ी का साइड का रेडियम लगवा रहे हैं, क्योंकि कोलकाता में पहले तो भाई लगवाए हुए थे, इससे भी गाड़ी नहीं पकड़ता है, थोड़ा थोड़ा लगाए, अब सोच रहे हैं कि भाई पूरा का पूरा यहाँ से और यहाँ तक पूरा लगवाना है। तो पहले लगवाते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि क्यों ये लगवा रहे हैं। फाइनली मैंने लगवा लिया, देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से पूरा यहाँ तक, मतलब पूरा का पूरा आगे से पीछे तक पूरा एकाएक दिख रहा है। ये भाई लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई आरटीओ वाले ना चला ना करे बिगाड़ते हैं, ये अगर गाड़ी पे नहीं लगा होगा तो आप लोग ज़रूर इसको लगवा लीजिए। और ये साइड में नंबर भी आप लोग लिखवा लीजिएगा, अगर बेंगलोर रोड पे चलाते हैं तो ये भी चाहिए और ये नंबर भी साइड में चाहिए ही चाहिए, नहीं तो इस पे चला नहीं बेंगलोर में। भाई पहुँच चुके हैं जहाँ पे एसी फिटिंग होता है, मतलब एसी जहाँ पे लगाया जाता है, पिकअप में हो चाहे बस में हो और चाहे ऐसी मैजिक में हो। तो बता दे भाई आ चुके हैं भैया के दुकान पे, और भाई यहाँ पे हमने पूरा बातचीत कर लिया है कितने रुपए में एसी लगेगा और क्या क्या चीज़ लगेगा। तो ये सब जो एसेसरीज़ है, बहुत सारे एसेसरीज लगते हैं, कितना रुपए लगता है, हर एक चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया है। और एक चीज़ बता दे, इस वीडियो में तो हर एक चीज़ आप लोगों को नहीं मिलेगा, मेरा सेकेंड चैनल है उस पर जाके आप लोग विजिट करिए, उस पर पूरा रिव्यू दिया है अपने गाड़ी में क्या क्या चीज़ लगेगा, तो जाके आप लोग उस वाले वीडियो को वहाँ जरूर करिएगा। उस चैनल का नाम है BDM कार व्लॉग्स, जल्दी जाके सब्सक्राइब मारिए। और कौन कौन बंदा BDM व्लॉग से जाके उस वीडियो को देख रहा है, मतलब पिकअप में एसी लगाने में कितना खर्च आता है, तो आप लोग जाके जरूर वॉच करिए। और आप लोग उस वीडियो में जाके उस वीडियो को देखने के बाद में, मतलब पिकअप में एसी लगाने में कितना खर्च आता है, मैंने हर एक चीज़ बताया हुआ है, उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को ये कमेंट करना है कि आप लोग के वहाँ पे कितने रुपए में एसी लग रहा है, जरूर कमेंट करिएगा। तो फिलहाल बस आप लोग को डिमांड पे मैंने ये रिव्यू वीडियो बनाया है और सेकंड चैनल के लिए, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं घर के तरफ, क्योंकि भाई थोड़ा सा रेट हमें ज़्यादा लग रहा है और कम भी लग रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सेकंड चैनल पर जाने के बाद वीडियो देखने खुद ही पता चल जाएगा क्या क्या एसेसरीज लगते हैं, कितना रुपये लगता है, मैंने हर चीज़ बता दिया है। तो फिलहाल अभी निकल रहे हैं आगे, और कुछ काम है, गाड़ी भी धुलवाना है भाई, गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है भाई, बार बार बोलते हैं आप लोग गाड़ी धुलवाना है, लेकिन क्या है ना कि धुलवा नहीं पा रहे हैं यार अपने घर पे, मतलब इतना ज़्यादा धूप है, घर से निकल नहीं पा रहे हैं एक को, दूसरा बात जहाँ पे धुलवाने जाते हैं दुकान ही बंद रहता है, तो आज लेकिन धुलवा के जाएंगे। तो फटाफट करके निकलते हैं, देख सकते हैं कुछ बच्चे लोग यहाँ पे खेल भी रहे हैं। क्या कर रहे हो बच्चे लोग, ये क्या कर रहे बेटा इतना धूप में बैठ के, गर्मी है, जाओ घर पे जाओ। आ चुके हैं जहाँ पे गाड़ी का सर्विसिंग करवाना था, मतलब भाई गाड़ी को आज धुलवाने वाले हैं, बहुत दिन से भाई सोच रहे हैं गाड़ी धुलवाना है, लेकिन भाई टाइम तो मिल रहा था, आ रहे थे, एक दिन तो भाई का दुकान ही बंद था और एक दिन भाई अपने पास टाइम नहीं था, घर चले गए। तो फिलहाल आ चुके हैं, अभी फिलहाल धुलाई अपना चालू भी हो चुका है, फिलहाल अभी मैटिंग धुलवा रहे अंदर का और गाड़ी अभी धुलना बाकी है। तो वही तब तक क्या है ना कि छोटे वाले भाई से मंगवाए कोल्ड ड्रिंक, पानी और नमकीन, ये देख सकते हैं बैठ के मस्त खा रहा है। गर्मी कैसा है, पागल हो जा रहे हो? तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक अगर पीते हैं उसके बाद फिर गाड़ी तो धुलाई हो ही रहा ना। मजा आ गया भाई। तो भाई फाइनली अपना गाड़ी का धुलाई अगर चालू है, देख सकते हैं भाई लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ये देख सकते हैं भाई पूरा शैम्पू अगर लग चुका है भैया, अभी ऊपर अगर पानी मारेंगे दोनों साइड का ढाला धुला चुका है, अभी ढाला के अंदर का जो भी गंदगी रहेगा उसको भी अभी निकलवाना है,
बाकी भाई लोग ना तीन चार लोग मिलके काफी ज्यादा मेहनत करते हैं यहाँ पे, और हमेशा ना यहीं पे आते हैं। मतलब बहुत पहले जब ऑटो चलाते थे हम आज से 3 साल पहले, तो भाई यहीं पे आते थे ऑटो रिक्शा अपना धुलवाने के लिए, और जब पिकअप लिया तो भाई यहीं पे आते हैं। एक दुकान पे धुलवाने से क्या होता है ना कि बाद व्यवहार जो बना रहता है, और हमेशा भाई यहीं पे इसीलिए आते हैं गाड़ी धुलवाने के लिए। तो फिलहाल देख सकते हैं पानी गर्म मस्त मार रहे हैं भाई लोग। तो फिलहाल अभी गाड़ी के अंदर का धुलाई चालू हो चुका है, देख सकते हैं भाई लीची में गाड़ी चल रहा था इतना दिन से, तो बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं है, बस पत्ता अगर है वो भी लीची का पत्ता देख सकते हैं इधर। तो फिलहाल अंदर पानी भरवा रहे हैं, उसके बाद फिर अभी क्या है कि तिरपाल अगर अभी ऐसा ही था इसको भी सजाना है, सजा के फिर ऊपर केबिन के ऊपर रखेंगे। तो ये सब काम फटाफट कर लेते हैं, थोड़ा सा रस्सी भी गंदा हो गया, रस्सी पानी मरवा देंगे, ये भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। ये देखिए पूरा पत्ता का नीचे बारिश हो रही है, देखो भाई जैसा लग रहा है आंधी आ गया, पूरा पत्ता गिर रहा है। तो भाई गर्मी इतना ज़बरदस्त वाला हो रखा है, इतना ज़बरदस्त गर्मी ना, हालत ख़राब। तो फाइनली भाई अपना गाड़ी धुलाई कंप्लीट हो चुका है, एक बार दिखा देते हैं, देख सकते हैं पूरा का पूरा अंदर से मैटिंग वगैरह पूरा साफ़ सुथरा हो चुका है, बाकी अंदर का पूरा साफ़ सुथरा चमक गया है ना। देख सकते हैं ढाला वगैरह, और ये भाई आज मैंने न्यू लगवाया हुआ है, तो कैसा लग रहा है देख सकते हैं धुलाई के बाद, काफ़ी चमक रहा होगा गाड़ी, क्योंकि बहुत दिन से मैं गाड़ी का धुलाई वगैरह नहीं करवाया था, और गाड़ी का धुलाई वगैरह करवाना चाहिए। और ये भाई भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, देख सकते हैं ये सब पूरा भाई साफ़ किया अपने से देख के, कोई नहीं अब भाई फटाफट करके, हाँ जिस तरीके से बोला जाता है उस तरीके से बढ़िया से भाई ने साफ़ सफाई किया है। तो फिलहाल अभी क्या है कि घर के लिए निकलना है, भूख भी लग चुका है, तो फटाफट यहाँ से चलते हैं घर के लिए। तो भाई फिलहाल पहुँच चुके हैं रामनगर ब्रिज के ऊपर, भाई धूप तो है लेकिन इस ब्रिज के ऊपर जब गाड़ी लेके जा रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं ना, तो मस्त भाई ठंडा वाला हवा चल रहा है यार। अब भाई पैदल चलेंगे तो पता नहीं कैसा हवा चलेगा, लेकिन गाड़ी के ऊपर बैठ के चला रहे हैं जा रहे हैं, तो अभी जो हवा आ रहा है वो एकदम चिल वाला आ रहा है, मजा आ रहा है। और गंगा का पानी देख के भाई मन कर रहा है कि रुकते हैं और नहाते हैं फिर घर चलेंगे, लेकिन टाइम नहीं है, भूख लगा है, घर जाना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल निकल रहे हैं घर की तरफ, और यार यहाँ पे देख रहे हैं उधर आंधी आया हुआ है और पूरा बालू उड़ रहा है, सफेद सफेद हो रखा है, शायद आप लोगों को दिखेगा नहीं, देख लीजिए अगर दिख रहा हो तो कमेंट करके बताना। क्या ही बताएं भाई, और मतलब काम आज हो नहीं पाएगा, भैया बोल रहे हैं कि हमारे भाई साहब आएंगे, मेन बात है ना ये खोलना पड़ता है, इसके अंदर भैया का जो हाथ थोड़ा सा मोटा है तो घुस नहीं रहा इसके अंदर, खोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, और इनका भाई है वो कल बनाएंगे मेरा हॉर्न। तो फिलहाल अभी घर निकल रहे हैं हम, गाड़ी को पार्क करेंगे अपने कॉलोनी में, उसके बाद फिर घर निकलेंगे। आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक वॉच किया होगा, और बता दें भाई वीडियो का एंडिंग करना भूल गए थे, ठीक है। आप लोग सोच रहे भाई एसी हम लगवाने वाले हैं क्या, एसी लगवाने वाले हैं भाई, 40,000 रुपये कौन लगवा के एसी लगवाएगा, एक तो भाई बरसात आने ही वाले हैं कुछ दिन में, बरसात चालू हो जाएगा, ऊपर से ठंडा हो जाएगा मौसम, फिर से भाई 40,000 रुपया खर्चा करके एसी पिकअप में, तो हमारे बजट से बाहर चला जा रहा है। अगले साल देखेंगे, अगर ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट प्यार बना रहा था जरूर अफोर्ड कर पाएंगे 40,000 रुपये का एसी, वो भी पिकअप में, ठीक है। लगवाने का मन तो नहीं है, लेकिन भाई आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हो भाई एसी लगवा लीजिए, इतना गर्मी है। खैर इस साल तो सीजन खत्म हो गया गर्मी का, कुछ दिनों में बारिश अगर चालू हो जाएगा, देखते हैं अगले साल का क्या सिचुएशन रहता है, जैसा होगा आप लोगों को पता चलता रहेगा। मिलते हैं अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस, सपोर्ट प्यार चाहिए ही चाहिए, एंड सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए क्या एसी मुझे लगवाना चाहिए बाहर से, कंपनी से लगवाते अलग बात था, बाहर से मुझे नहीं लगता कि यार बाहर से 40,000 रुपये दे के एसी लगवाना चाहिए, ठीक है, मुझे नहीं लगता। आप लोग बाकी कमेंट करके अपना राय दीजिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।